जयपुर में फिर लपका गिरोह सक्रिय है। बात करें सिंधी कैंप बस अड्डे की तो यहाँ पर रोजाना देश के विभिन्न अंचलों तक आने जाने के लिए लाखों लोग सिंधी कैंप पर आते हैं। ऐसे में यदि लपका गिरोह को दूसरे राज्य की बसें बस अड्डे में प्रवेश करती हुई दिखाई पड़ती है तब लपके तुरंत बिना किसी देरी से उस बस के पीछे दौड़ पड़ते हैं। बस रुकने से पहले ही बस के गगेट पर लटक जाते हैं और उतरने वाली सवारियों को अपने ऑटो में चलने की जिद करते हैं। ऐसे में कई बार वो आपस में सवारियों के लिए भी लड़ने लग जाते हैं। बाद में यदि कोई सवारी उनके हत्थे चढ़ जाती है तो वो उनको मनमाने तरीके से ट्रीट करते हैं। उनको यदि ऑटो से 2 किलोमीटर भी जाना है तो ये लपके उनको अनजान बताकर अपने वाहन में बैठा लेते हैं और बाद में कई किलोमीटर घुमाने के बाद उनके गंतव्य तक छोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो उनसे मनमाने तरीके से किराए के रूप में रुपए ऐंठते हैं। बात करें सिंधी कैंप बस अड्डे के प्रबंधन की तो इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ना तो इनको किसी तरह की पुलिस का कोई डर है और ना ही बस अड्डे पर विभाग का डर। ऐसे में राजस्थान में आने वाले सैलानियों और सवारियों की जान पर बन आती है। लपके सवारियों को अपनी बताने के चक्कर में अश्लील भाषा भी बोलते हैं। संबंधित विभाग को इन लपका गिरोह पर अंकुश लगाना होगा।